हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू डेली एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कल के सेशन मार्केट का हमें मोमेंटम दे सकता है और ऐसी कौन कौन सी जगह रहने वाली जहां पे हम लोग अपना एक बेहतरीन वाला ट्रेड प्लान बना सकते हैं। सो मेक श्योर यू आप लोग वीडियो में तक जरूर से बने रहें, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं निफ्टी एनालिसिस के साथ में। निफ्टी को पहले अगर हम लोग देखेंगे डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे वैसे मैंने आप लोगों को कल के सेशन में सब कुछ अपडेट दे ही दिया था। आज के सेशन में बस मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा हम लोगों ने जिस चीज़ की बात करी थी वो हमें बनता हुआ तो अभी के लिए भी नज़र आ रहा है। आप लोग देखेंगे डबल टॉप का स्ट्रक्चर या फिर मैं ट्रेंड रिवर्सल हमें होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। हम लोगों का लास्ट होप यहाँ पर बची हुई है इस वाले एरिया के नीचे, जो मैंने आप लोगों को क्लियरली कल के सेशन में सारे लेवल्स बताई थी। तो जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है तो मेक श्योर करिए आप लोग कल वाली वीडियो जरूर से देख लें, क्योंकि उसमें मैंने परफेक्ट लेवल बताई हुई है जहाँ पे हम लोगों को ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आएगा और कौन से टाइम फ्रेम पे उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो परफेक्ट हमारा डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को पुरानी वाली वीडियो देखनी होगी। पर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज के दिन पर हम लोग कह सकते हैं हमें एक हॉल्ट कैंडल नजर आई है। कंटिन्यूस दो दिन से सेलिंग आ रही थी, सेलिंग के बाद हमें एक छोटी सी हॉल्ट कैंडल नजर आई है। इस हॉल्ट कैंडल को हम लोग क्यों मान रहे हैं हॉल्ट कैंडल, क्योंकि हम लोग को बढ़िया ट्रेंड देखने मिला, एक हम लोग कह सकते हैं पुल बैक या फिर रीटेस्ट, और अब हमें फॉलोअप देखने के लिए मिल सकता है कल के सेशन में। अगर ऐसा होता है तो चांसेस ये रहेंगी, अगर ये लो निकालता है आज के दिन का तो हम लोग कह सकते हैं चांसेस ये रहेंगी फिर ये बड़ी रेड कैंडल यहाँ से बना सकता है। और अगर यहाँ पे रुकता है, मतलब क्या, यहाँ पे अगर फिर से रुकने की कोशिश करता है और अपसेट जाने की कोशिश करता है, मतलब अभी के लिए ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है हमारा, जब तक हमारी लेवल ब्रेक नहीं होगी तब तक तो हम लोग वैसे भी नहीं आ सकते, क्योंकि बायर्स अभी भी मौजूद है। आप लोग मार्केट में देख सकते हैं अगर सेल ऑफ आना होता है तो काफ़ी तेज़ी से आ भी जाता अब तक, पर सेल ऑफ नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी बायर्स यहाँ पर बचे हुए हैं। तो हो सकता है अभी ट्रेंड रिवर्स ना हो, तो वो तो हमें कल के दिन पर ही पता चलेगा। अब चलते हैं 5 मिनट चार्ट पर, देख लेते हैं हमारी इंट्राडे की लेवल्स कौन कौन सी रहने वाली हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आज के सेशन को अगर हम लोग पहले डिस्कस करें, आज का सेशन तो वैसे पूरी एक रेंज में ही निकल गया। जैसे मैंने कहा था हो सकता है यहाँ पे पूरी रेंज में जाए तो आप लोग कोई भी ट्रेड प्लान नहीं बनाएगा, तो इसीलिए मैं कहता हूँ लेवल्स को फॉलो करिए, बहुत कुछ आप लोगों को ऑटोमेटिक ट्रेड करना आ जाएगा। सिंपल सी हमारी लेवल्स ही इसके ऊपर या नीचे निकलेगा तो ही हम लोग ट्रेड करेंगे, पूरे दिन में इसके अंदर आएगा तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। वैसे ही आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं बनाया, सिर्फ मैं कहा था जो लोग 1 मिनट के चार्ट पर एंट्री बनाते हैं स्कैल्पर्स हैं वो लोग यहाँ से रिवर्सल पर एंट्री बना सकते हैं। आप लोग देखिए पहले दिन का रिवर्सल, फिर दूसरा रिवर्सल, फिर तीसरा रिवर्सल, फिर चौथा रिवर्सल, हर बार इसने इस वाई लेवल को टेस्ट करने के बाद एक पुल बैक दिखाया है और एक बड़े मोमेंटम दिखाया है, स्पेशली 1 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए। और अगर आप लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो वो बहुत आसानी से यहाँ पे हो सकती है, तो उसमें तो हम लोग प्रॉफिटेबल रह ही रहा। पर मैं और 5 मिनट से चार्ट या फिर 3 मिनट से चार्ट के हिसाब से बात करूँ तो हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनी। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, मैंने आप लोगों से क्लियरली कहा था कि इस वाई लेवल को ब्रेक करें तो ही जाएंगे हम लोग बाई साइड के लिए। थोड़ी सी क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं, या फिर रिस्की प्लेयर्स हैं तो बनाना चाहे बनाए, सेफ प्लेयर्स हैं तो बुक अवॉइड करें। इसीलिए मैंने कहा था कि कोई चांसेस यही रहती हैं कि यहाँ से रिवर्स कर जाए, वो यहाँ से रिवर्स कर गया तो वो हम लोग देख सकते हैं परफेक्टली यहाँ पे बच गया, बहुत ज़्यादा आसानी से हम लोगों का पैसा भी बच गया। तो अब मैं अब कल के सेशन की बात कर लेते हैं। कल के सेशन पे हम लोग अगर इस वाली ट्रेंड लाइन को तो अपडेट कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये वाली ट्रेंड लाइन हमारे लिए अब हट चुकी है। नेक्स्ट ट्रेंड लाइन की मैं बात करूँ तो हमारी दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉर्म आउट होती है, नहीं अभी के लिए हम लोग इसको ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि इसने रिजेक्शन नहीं दिखाया, तो इस रेंज के अंदर ही हम लोग फिर से अभी के लिए फंसे हुए हैं। इस रेंज को ब्रेक करता है तो चांस रहेंगे बड़े मोमेंटम एक्सपेक्टेड रह सकते हैं, पर याद रखिए अपसाइड में ब्रेक करेगा तो हमारा पहला एक छोटा सा टारगेट रहेगा जो हमारा 18,730 के ऊपर, हम लोग छोटा टारगेट एक्सपेक्टेड मानेंगे 755 के अराउंड का। उसके बाद अगर ये 760 को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम लोग बढ़िया क्वांटिटी आप लोगों को मेजर ट्रेंड हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, फिर 18,800 हम लोग आसानी से टारगेट यहाँ पे बन जाएगा अपसाइड के लिए। आई होप गाइस अपसाइड का व्यू क्लियर है। डाउन साइड पर आप लोगों के लिए पता ही कल के सेशन मैंने सब कुछ बताया था, इस वाले स्विंग लो को ब्रेक करेगा या फिर हम प्रीवियस जो लो को ब्रेक करेगा, हम लोग जाएंगे यहाँ से शॉर्ट साइड के लिए। लेवल में आप लोग बता देता हूँ 18,645 के नीचे और टारगेट हमारा बनेगा आसानी से 18,625 का। उसके बाद अगर ये 620 के अराउंड वाई लेवल भी ब्रेक करता है तो हमारे छोटे हर्डल्स निकल गएंगे अराउंड लेवल के आसपास, जैसे हो गया हमारे 18,600, फिर हो गया हमारा 18,580। पर अगर मैं बात करूँ मेजर सपोर्ट की तो मेजर सपोर्ट हमारा निकल के आएगा 560 पर। और सेफ प्लेयर्स हैं तो ये गाइस ध्यान रखिएगा, इन दो टारगेट पे आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग ब्रेकडाउन पे इस वाली लेवल से ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे तो आप लोगों को शॉर्ट साइड पे इन दो टारगेट पे एक अच्छा खासा रिश्योर्ड मिल सकता है। तो सेफ प्लेयर्स हैं तो मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लें, फुल क्वांटिटी बुक करना चाहते हैं तो आप लोगों की मर्जी है। रिस्की प्लेयर्स हैं तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर सकते हैं, बाकी को ट्रेलिंग एसएलए के साथ में मेंटेन करिए, स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग एसएलए चीज़ ध्यान रखिएगा, और फिर आप लोग इसको 560 तक ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि फिर हो सकता है हमें यहाँ से मेजर सेल ऑफ देखने के मिले तो चांस ये रहेंगी कि हमें पूरा मोमेंटम मिल सकता है, तो रिस्की प्लेयर्स हैं। और अगर ट्रेलिंग एसएल करना चाहते हैं या फिर कहूँ ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करना चाहते हैं तो आप लोग आसानी से इस वाली पूरी रैली को कैप्चर कर सकते हैं।
आई होप गाइस आप लोगों निफ्टी एनालिसिस के लिए लेसन में आ गया होगा। लेवल्स आप लोग सामने वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं सारा अपडेट आप लोग टेलीग्राम पे कल के सेशन में शेयर कर दूँ। और गाइस अगर आप लोगों ने अब तक हमें टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन नहीं करा तो मेक श्योर वाले आप लोग जाकर ज्वाइन कर लें। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। फटाफट से जाइए, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा जाए सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को लेवल्स का अपडेट भी मॉर्निंग के सेशन में दे दूंगा, तो फटाफट से जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव मार्केट में जितना अपडेट देना हो मैं सबको यहीं पे दूंगा। आज के दिन पर कोई मोमेंटम नहीं था इसलिए आप लोग पढ़ सकते हैं सारी चैट को। मैंने यहाँ पे कोई भी आप लोगों को अपडेट नहीं दिया था ट्रेड से रिलेटेड, सिर्फ जो हम लोगों को परफेक्ट ट्रेंड लाइन से रिवर्सल या फिर हमारे रेजिस्टेंस से रिवर्सल देखने मिला था वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। उसके बाद कोई भी मोमेंटम नहीं था इसलिए मैंने कोई भी अपडेट यहाँ पे शेयर नहीं करा था। आई होप गाइस आप लोग समझ चुके होंगे मैंने अपडेट क्यों नहीं शेयर करा। अब चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट पर, देख लेते हैं हमारा बैंक निफ्टी का व्यू कल के सेशन के लिए क्या रहने वाला है। तो अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हम लोग काफ़ी ज़्यादा चौपीनेस देखने के लिए मिला, कल के दिन पे भी था या फिर वहाँ फ्राइडे के दिन पे भी था, थोड़ा सा बस मोमेंटम आया था। उसके बाद आप लोग देखेंगे साइडवेज या फिर वो चौपीनेस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आप लोग पता है इंडिया विक्स में कोई भी मोमेंटम नहीं है अभी के लिए, आसपास 11:30 के आसपास चल रहा है, मतलब मार्केट में वॉलीटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, चौपीनेस मार्केट में बहुत ज़्यादा है। वैसे ही आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चौपीनेस है, स्पेशली बैंक निफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा चौपी चल रहा है निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी इसके सामने कई निफ्टी में क्या होता है किसी किसी दिन चौपी हो रहा है पर कुछ कुछ दिन बढ़िया मोमेंटम भी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आप लोग देखेंगे हर दिन हम लोगों को साइडवेज देखने के लिए मिलता है या फिर मुझे चौपीनेस देखने मिलती है, कुछ मोमेंटम आता है उसके बाद फिर से चौपीनेस में फंस जाता है। हर दिन पे आप लोग ये मोमेंटम देखें, इसलिए मैं कहता हूँ निफ्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस दें अभी के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के दिन पे बैंक निफ्टी में हमारा एक ऐसा रेट हुआ क्यों आप लोग देखें, यहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन है, ये था हमारा पहला टारगेट, इसने पहला टारगेट भी हिट नहीं करा, वहीं उससे पहले ही रिवर्स हो गया और इसने हमारा एसएल हिट कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एसएल गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले टाइम में हम लोग बड़े बड़े प्रॉफिट और कई सारे प्रॉफिट भी कैप्चर करेंगे। जैसे मैंने आप लोग कहा था हमारे पिछले बहुत सारे दिनों से विनिंग स्ट्रिक चली थी, ऑलमोस्ट हमारा 1-1.5 हफ्ता ट्रेडिंग डे बीत गए थे, 1-1.5 जैसे मैं कह सकता हूँ 7-8 हमारे दिन ट्रेडिंग डे की अगर मैं बात करूँ वो हमारे प्रॉफिटेबल चल रहे थे, वो भी 2-3 ट्रेड में कंटिन्यूस हम लोग प्रॉफिट में चल रहे थे। तो हमारा एक दिन में ऐसे जाता तो कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं, कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। एक ऐसा गया है, बाकी एक दिन तो हम लोगों ने 2-3 टारगेट लिया ना, तो ऐसा तो होता नहीं कि 100% सबको जो, इसीलिए एक ऐसा लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग उसको हो सकेगा तो कल के सेशन में ही रिकवर कर लेंगे। अब मैं इस वाई लेवल को आप लोगों के सामने कुछ मॉडिफाई करना चाहूँगा, इस वाई लेवल को जिन लोगों ने मार कर रखा है इसको शिफ्ट कर लीजिए फटाफट से अपने चार्ट पे थोड़ा डाउन साइड पे, और माइनर लेवल को आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। अब हमारे लिए बैंक निफ्टी में कुछ एक और ट्रेंड लाइन भी निकल के आ रही है, उसको भी हम लोग मार कर लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं बैंक निफ्टी में हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो कल के सेशन में सेम मैं वही बात करूंगा। तुरंत एंट्री बनाना चाहते हैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे तो बना सकते हैं, पर याद रखिए थोड़ा सा रिस्की बैठ रहेगा। 43,685 के ऊपर आप लोग बनेगी एंट्री, और आप लोग टारगेट इसमें प्लान कर सकते हैं प्रीवियस हाई 43,760 बहुत ज़्यादा आसानी से, और चांसेस रहेंगे कि 800 भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है। आई होप गाइस आप लोगों को ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का व्यू क्लियर हो गया हो, पर याद रखिए सेफ ब्लड्स हैं तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, रिस्की ब्लड्स हैं तो फुल क्वांटिटी में कर सकते हैं। उसके बाद ये अपसाइड जाने के बाद तो फिर से ब्रेकआउट दिखाता है तो आप लोग फुल क्वांटिटी में ज़रूर से ट्रेड कर सकते हैं 18,820 के ऊपर, और फिर 18,930-40 आप लोगों का आसानी से टारगेट बन सकता है, बहुत बड़ा टारगेट है। तो बीच बीच में या फिर मैं कहूँ हाफ वाले एरिया पे आप लोग थोड़ी सी क्वांटिटी बुक करते हुए चल सकते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ सेफ ब्लड्स की। अगर मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज दिखाऊँ तो आप लोग देखिए हमें 120 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है बहुत ज़्यादा आसानी से। तो सेफ प्लेट्स हैं तो हाफ क्वांटिटी यहाँ पे आप लोग बुक कर सकते हैं, बाकी हाफ आप लोग अपसाइड के लिए ट्रेल कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोग अपसाइड का व्यू क्लियर है। अब हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं डाउन साइड की, तो डाउन साइड पर सेम निफ्टी की तरह प्रीवियस जो लोग पे हम लोग जाएंगे शॉर्ट साइड के लिए, 43,535 के नीचे जाएंगे हम लोग शॉर्ट साइड के लिए, 43,485 बन जाएगा हम लोग डाउन साइड का टारगेट। पहला टारगेट रहने वाला है हमारा थोड़ा छोटा, इसीलिए यहाँ पे कम क्वांटिटी में ट्रेड लें, या फिर अगर रिस्टोर्ड मैच हो रहा है तो फुल क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं। मेजर क्वांटिटी या फिर मैं कहूँ फुल मेजर ट्रेंड हमें कैप्चर हो सकता है 43,465 के नीचे, और फिर हम लोग आसानी से 43,360 या फिर 100 पॉइंट का बहुत ज़्यादा आसानी से हम लोग अगेन से टारगेट कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग पता है अगर सेलिंग आएगी और ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आएगा तो मेजर सेल ऑफ आएगा यहीं से, तो मेजर सेल ऑफ हम लोग आसानी से कैप्चर कर पाएंगे। मैं इस लेवल को एक्सटेंड कर देता हूँ, आसानी से हम लोग कैप्चर कर पाएंगे पहले इस वाले ट्रेड पे, फिर सेकंड ट्रेड हमारा ये बन जाएगा। आई होप गाइस बाकी लेवल भी हैं आप लोग डाउन साइड पे वॉच आउट कर सकते हैं, सारी लेवल्स मैंने ड्रॉ आउट करी हुई है, वो सारी लेवल्स का अपडेट आप लोग टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो फटाफट से यही टेलीग्राम पे जाए ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इन वाई लेवल्स को भी एक बार एक्सटेंड कर देता हूँ आगे साइड, जिससे आप लोग दिक्कत ना हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप लोगों को टेलीग्राम सेशन सॉरी टेलीग्राम पे आप लोगों को मॉर्निंग के सेशन में सारी लेवल्स का अपडेट मिल जाएगा।
तो आई होप गाइस आप लोग आज की वीडियो पसंद आई होगी। निफ्टी में निफ्टी का एनालिसिस क्लियरली समझ में आ गया होगा, और गाइस समझ में आ गया तो मेक श्योर करिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से करके जाएं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाइस बात रही स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स के लिए वीडियो ऑलरेडी शेयर्ड आउट है, वहाँ से आगे आप लोग उस वाली वीडियो को देख सकते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे, वहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा कैसे मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। तो आज के दिन के लिए आप लोग हैं स्टॉक्स होमवर्क, जैसा आप लोग बताएं अल्टरनेटिव डेज पे मैं शेयर करता हूँ, तो स्टॉक्स हैं आप लोगों के लिए होमवर्क। जाइए उस वाली वीडियो को देखिए और आप लोगों को स्कैनर भी मिल जाएगा, वहाँ से आगे स्कैनर को रन करके आप लोग स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसी न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड स्टे प्रॉफिटेबल।